ईवीएम से जुड़े विवादों के दरमियान बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसके तहत पुणे के पर्वती विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विवादित ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की बात अब हो रही है। हाईकोर्ट ने पुणे की जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि विवादित ईवीएम लैब भेजे जाएं। ईवीएम से जुड़े विवादों के दरमियान बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिस तहत पुणे के पर्वती विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विवादित ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होगी। हाईकोर्ट ने पुणे के जिलाधिकारी को ये आदेश दिए हैं कि विवादित ईवीएम लैब को रवाना किए जाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आदेश इसलिए अहम है क्योंकि फिलहाल चुनाव हार चुके नेता देश भर में ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं, तो चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी कर दिखाने की चुनौती दे चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा के 2014 के चुनाव में पुणे के पर्वती विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार से मात खाई, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दावा किया कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से बीजेपी चुनाव जीती है, खुद को कम वोट मिलने की उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक बूथ में जहाँ पे मुझे 52 वोट मिले थे, वहाँ पे 63 लोगों का वहाँ पे एग्जामिनेशन किया और उन लोगों ने कहा कि हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को वहाँ पे वोटिंग किया है। इस इलेक्शन के बाद मुझे ऐसा ध्यान में आया कि इस विधानसभा के चुनाव में ईवीएम टेम्परिंग हो गई है, इसलिए मैंने इलेक्शन पिटीशन मुंबई हाईकोर्ट में वहाँ पे दाखिल किया था। विवादित ईवीएम को हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में भेजकर याचिकाकर्ता के तमाम दावे परखे जाएंगे। पुणे से नीलेश खरमाड़े के साथ मुंबई में प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया। ईवीएम से जुड़े विवादों के दरमियान बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिस तहत पुणे के पर्वती विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विवादित ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होगी। हाईकोर्ट ने पुणे के जिलाधिकारी को ये आदेश दिए हैं कि विवादित ईवीएम से जुड़े विवादों के दरमियान बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसके तहत पुणे के पर्वती विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विवादित ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की बात अब हो रही है। हाईकोर्ट ने पुणे की जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि विवादित ईवीएम लैब भेजे जाएं। लैब को रवाना किए जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये आदेश इसलिए अहम है क्योंकि फिलहाल चुनाव हार चुके नेता देश भर में ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं, तो चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी कर दिखाने की भी चुनाव जीती है, खुद को कम वोट मिलने की उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक बूथ में जहाँ पे मुझे 52 वोट मिले थे, वहाँ पे 63 लोगों का वहाँ पे एग्जामिनेशन किया और उन लोगों ने कहा कि हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनौती दे चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा के 2014 के चुनाव में पुणे के पर्वती विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार से मात खाई, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दावा किया कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से बीजेपी